हाय गाइस, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है. एग्ज़ाम पास आने वाला है और प्रोडक्शन थोड़ा लेट हो गया है, बट स्टिल अभी भी टाइम है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं फॉर गेट एग्जामिनेशन. तो यहाँ पर हम हमारा वेल्डिंग का आगे का कंटिन्यू करते हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेल्डिंग, दैट इज़ फ्लैश बट वेल्डिंग. तो चलिए देखिए, यहाँ पर फ्लैश बट वेल्डिंग के बारे में हम अपन लोग बात करेंगे. देखिए, जो फ्लैश बट वेल्डिंग है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रेसिस्टेंस वेल्डिंग. इट इज़ अ काइंड ऑफ रेसिस्टेंस वेल्डिंग. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेसिस्टेंस वेल्डिंग ही पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था स्पॉट वेल्डिंग, उसके बाद हमने पढ़ी सीम वेल्डिंग, फिर पढ़ी हमने प्रोजेक्शन वेल्डिंग, और अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं फ्लैश बट वेल्डिंग. देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक अ डायग्राम. देखिए डायग्राम में कुछ ऐसा है, मान लीजिए ये वॉल है और उससे एक मैंने क्या निकाला हुआ है, एक शाफ्ट निकली हुई है और ये दूसरी शाफ्ट है. आपको दो शाफ्ट को एंड टू एंड जोड़ना है, तो आप क्या करोगे, देखिए उसमें क्या होगा, दोनों जो शाफ्ट है उन दोनों को ही कि हम क्या बना देंगे, इलेक्ट्रोड बना देंगे, और बीच में उसके दे देंगे हम एक पावर सप्लाई. ये है हमारी पावर सप्लाई, एक ये वर्क पीस है और एक ये वर्क पीस है. ठीक है, फिर उसमें क्या होगा, ये जो ऊपर लगे हुए हैं ना, ये एक तरीके का इलेक्ट्रोड होल्डर लगे हुए हैं. देखिए ये इलेक्ट्रोड होल्डर लगे हुए हैं. ठीक है, आई होप आपको क्लियर है. ठीक है, ये पावर सप्लाई यहाँ पर दी हुई है. अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मली देखिए ये जो वेल्डिंग है ना, आप याद रखिएगा, ये पॉइंट मैं लिख देती हूँ, इट इज़ प्रिफर्ड फॉर स्मॉल डायमीटर. क्योंकि आप देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों को ही हमने जो शाफ्ट टाइप के हैं उनको ही हमने क्या बना दिया है, इलेक्ट्रोड की तरह सप्लाई किया है, इलेक्ट्रोड होल्डर है ये हमारे, और यहाँ पर हम एक मूवमेंट देंगे, और यहाँ पर ये जो स्पेस है ना, यहाँ पर ये क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर होगी इस स्पेस पे, एटमॉस्फेरिक एयर होगी इस स्पेस में. देखिए इस वेल्डिंग में क्या होता है, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस वेल्डिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, आई स्क्वायर आर टी यूज़ होगा. ठीक है, जो हीट जनरेट होगी आई स्क्वायर, तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस मिलेगा, और इस रेसिस्टेंस यहाँ पे कहे से मिलेगा, जो बीच में एटमॉस्फेरिक एयर की गैप है ना, वहीं से आपको क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस मिलेगा. ठीक है, तो देखिए वही सिंपल सी बात है, ये जो वेल्डिंग है वो प्रिफर की जाती है स्मॉल डायमीटर से. क्यों? क्योंकि आपको ये होल्डर है ना, इसको रोटेट भी करवाया जाता है. ठीक है, इसको रोटेट करवाया जाएगा, अभी हम आप देखते हैं आगे, अगर रोटेट करवाया जाएगा, तो आप सोचो बड़े बड़े डायमीटर को रोटेट करवाना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाएगा, तो ये जो छोटे छोटे डायमीटर होते हैं ना, उसी के लिए ज़्यादा काम आती है, प्रिफर्ड फॉर स्मॉल डाया ओनली. ठीक है, अब देखिए ये जो वेल्डिंग है, इसका वन बाय वन करके पॉइंट हम लोग यूज़ करते हैं. देखिए, फॉर जॉइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड टू एंड, दिस टेक्निक कैन बी यूज. आप देख सकते हो एक ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन करने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, फॉर जॉइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टू एंड. This technique can be used. ठीक है, this technique can be used. चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसमें जो दो वर्क पीसेस है ना, दे आर प्रोवाइडेड विद द इलेक्ट्रोड होल्डर, वो खुद भी एक इलेक्ट्रोड की तरह ही काम करने जाते हैं. टू वर्क पीसेस विल बी प्रोवाइडेड between two electrode holder. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाय प्रोवाइडिंग द रेट ऑफ करंट, ऑब्वियसली बात है रेसिस्टेंस वेल्डिंग है, रेट ऑफ करंट देंगे, द टू वर्क पीसेज आर बॉट टू ईच अदर. इनको क्या किया जाता है, एक लीनियर कॉन्टैक्ट दिया जाता है इस तरीके का, और इसको दो वन अगर हम इसको नाम दें और इसको टू नाम दें, और टू को जो है वो आगे बढ़ा के वन के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है. ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग हाई रेट ऑफ करंट टू वर्क पीसेस विल बी क्लोज टू ईच अदर और मेड क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या होगा.
अब क्या होगा, एट मिनिमम गैप में हम क्या करेंगे, जब एक मिनिमम गैप होगा वहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस ड्यू टू एटमॉस्फेयर आएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ करंट जो है वो हाई होगा और आई स्क्वायर आर टी की वजह से हमारा क्या होगा, हीट जनरेट हो जाएगी. ठीक है, हीट जनरेट हो जाएगी. देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, एट मिनिमम गैप बिटवीन द टू वर्क पीसेस ड्यू टू रेसिस्टेंस ऑफ द एटमोसफियर एयर, एटमोस्फेरिक एयर, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ करेंट, बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ करेंट हीट विल बी जेनरेटेड एंड वर्क पीस विल बी मेल्टेड. ठीक है, अब जब वर्क पीस मेल्ट हो जाएगा उसके बाद आप समझ सकते हैं क्या होगा, वहां पर हमें प्रेशर अप्लाई करना है और थोड़ी देर के लिए वेट करना है और हमारा वेल्ड कैसा हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर गेटिंग sufficient amount of heat by switch off the power supply external pressure, थोड़ा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा तभी आपका जो बॉन्ड है वो क्रिएट होगा, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड, एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड टू प्रोड्यूस बट जॉइंट. देखिए एक तरीके का बट जॉइंट, बट जॉइंट बिटवीन टू सरफेस, बिटवीन टू सर्फेसिस. तो ये था हमारा फ्लैश बट वेल्डिंग, और आपको याद रखना है दिस इज़ अ काइंड ऑफ रेसिस्टेंस वेल्डिंग. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक तरीका क्या कैसा है, रेसिस्टेंस वेल्डिंग है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ वेल्डिंग में. ये भी छोटी सी वेल्डिंग है, इसको कहते हैं फ्लैश वेल्डिंग. फ्लैश वेल्डिंग, चलिए देखिए क्या होता है फ्लैश वेल्डिंग में. इम्पॉर्टेंट बात देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग एंड फ्लैश वेल्डिंग में. तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो हमारा फ्लैश बट वेल्डिंग है एक तरीके की रेसिस्टेंस वेल्डिंग है, और जो हमारी फ्लैश वेल्डिंग है वो एक तरीके की हमारी क्या है, आर्क वेल्डिंग है. याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की कोनो भी ज़रूरत नहीं है भैया लोग. आप लोग बहुत सारे लोग एटलीस्ट मतलब 95% जनता इसमें कंफ्यूज रहती है कि ये कौन सी वेल्डिंग है भैया, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है. तो फ्लैश वेल्डिंग आपकी आर्क वेल्डिंग है, फ्लैश बट वेल्डिंग जो होगी वो एक तरीके की रेसिस्टेंस वेल्डिंग है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इसका जो फिगर है ऑब्वियसली बात है सेम तरीके का होगा. देखिए हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे डिफरेंस दोनों में, देखिए अब क्योंकि रेसिस्टेंस वेल्डिंग है उसमें जो हीट जो जनरेट हो रही है वो आई की वजह से हो रही है, तो आई की जो रेंज होगी ना यहाँ पे वो 60,000 से लेके 80,000 एम्पियर तक होती है. रेसिस्टेंस वेल्डिंग है क्योंकि ये फ्लैश बट वेल्डिंग, बट ये हमारी जो फ्लैश वेल्डिंग वो एक तरह की आर्क वेल्डिंग है. तो आर्क वेल्डिंग है तो यहाँ पे करंट इतना ज़्यादा हाई हमको चाहिए नहीं, बेवजह क्यों वेस्टेज करें. तो 300 से 400 एम्पियर तक ही होती है ये, और इसका फिगर जो है ऑलमोस्ट सेम होता है दोनों का. ठीक है, ये इलेक्ट्रोड होल्डर लगा दिए मैंने दोनों तरफ, और यहाँ पर मैं अपन ने दे दी यहाँ इनको पावर सप्लाई. पावर सप्लाई लेके ये बहुत ही ज़्यादा चिंता मुक्त हो गए, इनको खुश हो गए, चलो भाई पावर सप्लाई मिल गई हमको, अब तो हम वेल्डिंग कर ही लेंगे. ठीक है, चलो पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ते जाते हैं आगे. देखिए क्या होता है, टू वर्क पीसेज आर प्रोवाइडेड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड होल्डर. सेम बात, टू वर्क पीसेज, सबसे पहले हमें दो वर्क पीस चाहिए है, आर प्रोवाइडेड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड होल्डर. ठीक है, नेक्स्ट, बाई गिविंग पावर सप्लाई टू वर्क पीसेज आर मेकिंग आर मेड
are made to come in contact with each other, and due to short circuit electric arc will be generated. Yaad rakhiyega, wahan par short circuit nahi hua tha, wahan pe air resistance ki wajah se hamara I square IT वैसे हीट जनरेट हुई थी, बट यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, हम शॉर्ट सर्किट करने के लिए क्या करते थे, एंड टू एंड को एक बार टच करा देंगे और झटके से उसको वापस ले लेंगे, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है. शॉर्ट सर्किट की वजह से आर्क क्रिएट हो जाती है, जो आर्क है उसी आर्क की वजह से अब क्या होगा, हमारी हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी उसके बाद सेम प्रोसीजर है उससे हमारी होगी वेल्डिंग. ठीक है, वन बाय वन करके सारी बातों को लिख लेते हैं. बाय गिविंग the power supply two work pieces will be making contact due to short circuit electric arc will be generated. Electric arc will be generated. ठीक है, next point, due to this heat will be produced. And after getting sufficient amount of heat, pressure will be applied. Power supply को switch off कर दीजिए, pressure apply कर दीजिए, थोड़ी देर रुकिए और आपको बढ़िया सा ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म सा joint मिल जाएगा. ठीक है, after getting sufficient amount of heat by switch off the power supply external pressure can be applied to produce the joint between the end of the object. देखिए, ये था हमारी flash butt welding and flash welding. देखिए, आपको मैं बता दूँ, normally आप जब पढ़ेंगे तो मैं एक type की welding आपको और बताना चाहती हूँ, बहुत ही छोटा सा है, इससे एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं. मैंने जब कंपटीशन की तैयारी की थी उस समय पे मुझे आता था बार बार, तो मैंने उसके नोट्स बना के रखे थे. अब क्योंकि मैं अपने नोट्स खुद देखती हूँ तो मुझे याद आता है. अच्छा चलो, ये भी आप देख लीजिए. एक होती है परकशन वेल्डिंग. देखिए, परकशन वेल्डिंग का मैं कोई डिटेल आपको नहीं दे रही हूँ. आपको अगर इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो आपको बुक उठाइए और उसे पढ़िए. मैं सिर्फ उतना आपको बता रही हूँ जितना कहीं क्वेश्चन में पूछा गया था, जितना मैंने उसका खुद से पढ़ा और खुद से नोट्स बनाया, मैं सिर्फ आपको उतना बता रही हूँ. और उतना ही ज़रूरत है, बेवजह इतनी सारी वेल्डिंग आप पढ़ लोगे, अगर आप उसको एग्जामिनेशन हॉल तक लेके नहीं जा पाओगे तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. उतना ही पढ़ो जितना ज़रूरत है. तो परकशन वेल्डिंग में मैं दो तीन पॉइंट मेन मेन जो आते हैं, अगर आप चाहें तो अपने दिमाग में रख सकते हैं. अगर कभी पूछा जाता है तो टिक लगा दीजिए, नहीं भी रखना चाहते हैं कोई बात नहीं, मत रखिए. बट यहाँ पर मैं बता देती हूँ परकशन वेल्डिंग. देखिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं पूरी वेल्डिंग का प्रोसीजर क्या है वो एक्सप्लेन नहीं करूँगी. इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी को मैंने नोट्स में बनाया है और उसी को मैं आपको बता देने चाहती हूँ. देखिए, परकशन वेल्डिंग एक तरीके की रेसिस्टेंट वेल्डिंग है. पहली बात इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, फ्लैश वेल्डिंग जो है वो आर्क वेल्डिंग है, फ्लैश बट वेल्डिंग वो है वो क्या है, रेसिस्टेंस वेल्डिंग है. परकशन वेल्डिंग भी एक तरीके की क्या है, रेसिस्टेंस वेल्डिंग है. सबसे पहले तो ठीक है, रेसिस्टेंस वेल्डिंग है. अब देखो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ट्रांसफार्मर पर फॉर पावर रिक्वायरमेंट कैपेसिटर यूज़ होता है. देखिए, बाकी जगह तो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है रेसिस्टेंस वेल्डिंग में, लेकिन जो परकशन वेल्डिंग है उसमें कैपेसिटर यूज़ होता है. ठीक है, ये बस याद रखने की चीज़ है, पूछी जा चुकी है, मैं इसीलिए इसको यहाँ पर बता रही हूँ ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए. वरना कहीं किसी टेस्ट सीरीज़ में या कहीं भी पूछा जाएगा या किसी पेपर में पूछा जाएगा, आपको नहीं आएगा, फिर आप बुक खोलोगे, फिर अपने नोट्स बनाओगे, तो मैं ही बता देती हूँ आपको. इंस्टेड ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर
for power requirement. Capacitor is used. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो याद रखने का है वो ये है कि जो इसकी पावर है वो डिस्चार्ज की जाती है बहुत ही मिली सेकेंड्स के लिए. याद रखना है परकसन वेल्डिंग की यही खासियत है, इसकी जो पावर है बहुत ही मिली सेकेंड्स के लिए डिस्चार्ज की जाती है. पावर इज डिस्चार्ज्ड विद इन 1 to 10 मिली सेकेंड्स टू डेवलप localized heat at the joint. नेक्स्ट देखिए पॉइंट इसमें यह है कि दिस प्रोसेस इज यूजफुल वेयर हीटिंग ऑफ द कॉम्पोनेंट्स एडजेसेंट टू द जॉइंट. मान लीजिए आपको जब जॉइंट बनाना है ना तो अगल बगल के कॉम्पोनेंट भी तो हीट हो जाते हैं. अगर आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है तो एक लोकलाइज्ड हीट डेवलप करनी पड़ेगी ना. वही लोकलाइज्ड हीट जो है वो परकसन वेल्डिंग से बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है बहुत ही 1 से 10 मिली सेकेंड के लिए. जब आप करंट की सप्लाई करोगे तब ये ऐसा हो पाता है. टू द जॉइंट इज टू बी अवॉइडेड, ऐसी जगह पर आपका परकसन वेल्डिंग यूज होती है. तो ये थी आप